हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। मैं हूँ सोनिया सिंह। आज फिर से आप लोगों से मिलने आई हूँ। बहुत ही, जैसे कि मैं हर बार अलग अलग कुछ लेकर आती हूँ, इस बार फिर से कुछ अलग लेकर आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। क्या बनाना सिखाऊंगी आज आप लोगों को? आज मैं सिखाऊंगी आप लोगों को झरोका बनाना। राजस्थानी झरोका आप लोगों ने बहुत देखा होगा, और उसमें आप जब अगर आप उसको बनाओगे, सिर्फ 100 रुपीज का आपका मटेरियल लगेगा, ज्यादा लगने वाला नहीं है, सारा ही वेस्ट मटेरियल, लेकिन देखने में पीस बहुत सुंदर होगा। तो ये वाला पीस हम अभी बनाने वाले हैं। और जो मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है उसके बारे में भी आप लोगों को बता देती हूँ। मैं अभी श्रीनाथ जी की 3D श्रीनाथ जी तंजौर पेंटिंग की क्लास स्टार्ट कराई है मैंने। ऑनलाइन कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जब आप चाहें तब ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको भी क्लास ज्वाइन करना है वो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 7988700107 पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। और ये वाला पीस आप देख भी लीजिए किस तरह का हमारा काम चल रहा है, कितना हमारा वर्क प्रोसेस में है, तो वो चीज भी आप देख लीजिए। सो गाइज, ये है हमारा डिजाइन जो हमने प्लेंटियर से लिया है। ये स्टूडेंट की चॉइस है जो हम बना रहे हैं। 2x3 फिट का साइज है ये। तो ये वाला हमने इसका प्रिंट आउट निकाला है, इसी की ट्रेसिंग करके हम ये वाला पीस तैयार कर रहे हैं। ये हमारा 3D पीस है। एक बोर्ड इसके पीछे भी लगेगा। ये हमारा क्ले वर्क इस पर स्टार्ट हो चुका है जो अभी चल रहा है। तो देखिए किस तरह से, कितनी फिनिशिंग से इसका काम होता है। बहुत ही पेशेंस के साथ धीरे धीरे वर्क होता है। 1 महीने से कम में ये पेंटिंग कंप्लीट नहीं होगी। कम से कम इसको तैयार होने में 1 महीना लगेगा, उसके बाद आप ये पीस देखेंगे कितना सुंदर बनकर आता है। गाइस, ये आ गया हमारा झरोका। हम झरोके का वर्क स्टार्ट करते हैं। ये मैंने थर्माकोल की शीट पे डिज़ाइन ड्रॉ किया है। आपके पास थर्माकोल की शीट हो आप उस पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास थर्माकोल की शीट नहीं है तो यही प्रोसेस आप कार्डबोर्ड के ऊपर भी कर सकते हैं। तो इसको मैं कटिंग कर लूँगी। ये मेरे को मार्केट से नहीं मिला है थर्माकोल, ये मुझे वॉशिंग मशीन में जो आता है वो वाला थर्माकोल मैंने यूज़ किया है, मैंने रखा हुआ था। तो इसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब ऊपर के साइड जो हमने लेयर लगानी है उसी की थर्माकोल की कटिंग कर लेंगे। इसके साथ हम थर्माकोल के साथ कार्डबोर्ड भी यूज़ करेंगे, बैकबोर्ड पे हम कार्डबोर्ड भी यूज़ करेंगे इसके ऊपर। तो ये हमारी पट्टी को इसके ऊपर हम सेट कर देंगे। अब मैंने पतली एक शीट काटी है जो हमारी इसके नीचे की तरफ लगने वाली है। इसको हमने है शीट मोटी ही, लेकिन इसको फिनिशिंग टच दे देंगे। और ऊपर की जो हमारी लेयर है, जो थर्माकोल की जो लेयर है, वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए और ये थोड़ा सा नीचे के साइड होना चाहिए। अगर हमने झरोका देखा हो तो उसमें इसी तरह से होता है, तो हमने सेम वही कोशिश की है कि उसी तरह का बना जाए। तो इसको हम फिनिशिंग टच देंगे और इसको रख के देखेंगे कि हमारा सेट है कि नहीं है। तो अब हमारा सेट आ गया है, अब इसकी रबिंग भी करेंगे। इसको रब करके हम इसको हाफ कर लेंगे, क्योंकि ऊपर वाली लेयर से कम आना है, तो इसको रबिंग कर करके हम इसको हाफ कर लेंगे। अब यहाँ पर फेविकोल लगाएंगे और इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये हमारा पीस अच्छे से सेट हो गया है। अब थर्माकोल की पतली सी शीट, जितना मेरा मैंने अपने साइज के अकॉर्डिंग जितना की मुझे चाहिए, स्केल के जितना ही मैं ये एक पतली पट्टी ले रही हूँ, ये मुझे अब सेट करनी है। तो आप स्केल रख के काटोगे तो आपकी बिल्कुल सीधी कटेगी थर्माकोल। तो यहाँ पर इस पट्टी को हम सेट कर देंगे। और जो अब हमें पीछे का बोर्ड तैयार करना है जो हमें सपोर्ट के लिए चाहिए, क्योंकि सिर्फ थर्माकोल पर हमारा वर्क नहीं रुकने वाला है, तो इसके लिए हमें बैक में कार्डबोर्ड भी लगाना होगा। अगर कोई लगाना चाहे, प्लाई बोर्ड भी लगाना चाहे, तो प्लाई बोर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा वेस्ट के साथ ही सिखाया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कार्डबोर्ड का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। स्केल रख के करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाता है,
लेकिन नीचे उसके कुछ रखना भी जरूर है, कहीं आपके टेबल वगैरह ना कट जाए, इसके लिए नीचे कुछ ना कुछ आप रखिएगा जब आप कटिंग कर रहे हो। ये हो गई है मेरी कटिंग। अब इसके ऊपर फेविकोल लगाएंगे और यहाँ पर हमने इस पार्ट को पेस्ट करना है, क्योंकि अगर सिर्फ थर्माकोल के साथ कुछ सपोर्ट नहीं होगा तो वो रुकेगा नहीं। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक धागा, ये ऊन का धागा है, आप ऊन का भी ले सकते हैं, कोई भी आपके पास धागा अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। ये हमें हैंग करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम बाद में ना लगा के हम पहले ही अंदर से, जिससे कि वो निकले नहीं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा वेट भी हो जाएगा तो उसको सपोर्ट अच्छे से चाहिए। यहाँ पर मैं धागा पहले ही डाल रही हूँ। अब इसको धागे के ऊपर लगा देंगे तो ये कहीं धागा नहीं निकलेगा, हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये पीस को भी ये फेविकोल की बोतल में इसके ऊपर रख दें, इसको सूखने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर याकुल्ट की बोतल का यूज़, जो बच्चे पीते हैं याकुल्ट, उसकी बोतल का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर पिलर बनाने के लिए। तो यही मैंने कुछ नया किया है कि आपको पिलर भी बनाने होते हैं इसके अंदर। पिलर हमें, हम थर्माकोल का वेस्ट का झरोखा बनाएंगे तो हम वुडन के पिलर तो लगाएंगे नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये, जिस तरह से आप लगाना चाहो वो लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर याकुल्ट की बोटल्स का यूज़ किया है और अच्छा भी लग रहा है, आपने लगा कर देखा है तो अच्छा भी लग रहा है। तो ये धागे को अब हम पीछे की साइड निकाल देंगे, यहाँ से कार्डबोर्ड को थोड़ा कट करके पीछे की साइड से निकालेंगे ताकि ऊपर हैंग किया हुआ दिखाई ना दे, तो ये हमारा बीच में ही आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने MR फेविकॉल और मार्बल डस्ट को मिक्स किया है। मैं ज़्यादातर मार्बल डस्ट ही यूज़ करती हूँ क्योंकि वो हार्ड होता है, जब कोई भी चीज़ POP होती है क्रैक हो जाती है। मैंने पहले बताया POP मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन POP से भी मैं आपको वर्क सिखाऊंगी कभी ना कभी, लेकिन मैं यहाँ पर MR फेविकॉल और मार्बल डस्ट का ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी एक पतली पतली लेयर, पानी मैंने इसे मिक्स नहीं किया है, पूरी पतली पतली लेयर इस पूरे पीस के ऊपर हमने कर देनी है ताकि हमारा ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, इसके टूटने के कोई चांस ना रहे। और ये MR फेविकॉल से करेंगे तभी हो सकता है, MR फेविकॉल से और मार्बल डस्ट से। तो इसके ऊपर ये पूरी लेयर करके ये सूख गया है। अब ऊपर के लिए मैंने कटिंग की है थर्माकोल की, तो यहाँ पर भी इसको फेविकोल लगाकर इसको सेट कर देंगे। ऐसे छोड़ देंगे तो सेट नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ उसके ऊपर वेट रखना पड़ता है तभी सेट होता है। अब ये याकुल्ट की बोतल को हम ऊपर से देखिए, नाइफ से जहाँ मैं दिखा रही हूँ यहाँ से कट करना है, और नीचे के साइड भी जो पिलर होते हैं उसके लिए भी मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ, और कोई चीज़ मैंने यूज़ नहीं की है। तो नीचे भी इसी तरह से लगा लेंगे, ऊपर मुझे शेप चाहिए पीछे की तरफ जाता हुआ होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो थर्माकोल की कटिंग कर रही हूँ। तो ये थर्माकोल को अच्छे से अब शेप में कट कर लेंगे। अगर इसे शेप नहीं आ रही है कि थर्माकोल से आपकी अच्छी शेप नहीं आ रही है कटिंग करने से, तो इसको रबिंग भी करेंगे, क्योंकि पीस किसी भी चीज़ से बनाओ उसमें फिनिशिंग जरूर होनी चाहिए। तो इसको अच्छे से हम रब कर लेंगे और ये हमारा फिर सेट आ जाएगा, जो कि हमारा कटिंग करने पर नहीं आ रहा था सेटिंग जैसी हमें चाहिए, है ना फ्रेंड्स, एकदम डिफरेंट। आपको आइडिया तो पसंद आ रहा होगा, तो फटाफट से शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप लोगों को अच्छा लगा है, और कमेंट करके तो ज़रूर ही बताइएगा कि किस तरह का लगा है। तो यहाँ पर फेविकॉल की लेयर डालेंगे और उसके ऊपर अब हमें क्ले लगानी है। इसको ब्रश से पहले फैला लेंगे अच्छे से। कोई भी आपके पास किसी भी चीज़ की क्ले हो, पेपर मैशी क्ले हो, मार्बल की क्ले हो, आपके पास जो भी क्ले अवेलेबल हो, सेरेमिक पाउडर की हो, तो वो ही फेविकॉल के साथ जो क्ले बनती है आपकी, कोई भी फेविकॉल की ज़रूरी नहीं है, गोंद वगैरह के साथ जो भी क्ले हो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर मार्बल डस्ट की क्ले ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर लेयर भी मार्बल डस्ट की लगाई है, और ये क्ले भी तैयार करके मैं मार्बल डस्ट की लगा रही हूँ। और क्ले लाना आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखा ही होगा, तो अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप चेक कर लीजिएगा। तो इसकी बहुत ही पतली पतली लेयर मैंने यहां पर लगाई है, पानी का हाथ लगाते रहेंगे और क्ले को सेट कर देंगे। तो ये हमारा सूख गया है। सूखने के बाद इसके ऊपर जो हमने डिज़ाइन में वर्क करना है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ तो मैंने कर दिया है, लेकिन इसके आगे का वर्क आप सेकंड पार्ट में देखेंगे।
सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को, है ना बिल्कुल एकदम डिफरेंट ये है, और कैसी चीजें हमने यूज की है, ऐसा सोचा था आपने कि इस तरह की चीज भी आप यूज करके आप झरोका बना सकते हैं। झरोका आप वैसे मार्केट से लोगे 3 या 4 हजार का आता है, लेकिन आप इस तरह से बनाओ अगर किसी को नहीं बताओगे, 15 इंच 17 इंच इस साइज में भी झरोके आते हैं, आप देखोगे ऑनलाइन तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप इस तरह से बनाओ किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस तरह के मटेरियल से और इतना सुंदर झरोका बनाया है। इसका जो आगे का पार्ट है वो सेकेंड पार्ट में होगा, जो आगे का सारा वर्क है इस पे अभी हम वर्क भी करेंगे, ये हमारा कम्प्लीट नहीं हुआ है। सेकेंड पार्ट में उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा, क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ ये सब चीजें बनाने के लिए, कोई पीस मेरा एक दिन में तैयार नहीं हुआ है, एक हफ्ता लग जाता है, एक तो आपको ये कहीं से पता नहीं चलता कि आप क्या बनाने वाले हो, और उसमें फिर सोचना कि किस किस तरह से हमें बनाना, तो उसमें टाइम जाता ही है। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो शेयर किया कीजिए, और मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे पीस आप लोगों के लिए बनाती रहूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमारा पीस कैसा तैयार हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।